हेलो एवरीवन, आज है 5th सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। 193 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में बड़ी रफ्तार यहां पर आई जरूर थी, बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और साथ ही साथ कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लान है भैया पैसा रेज करने का। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 193 रुपीज का शेयर है, 0.5% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 10.5% की तेज़ी अभी भी है। 175 से ऐसा भागा कि 200 पे गया था ये, लेकिन उसके बाद देखो तो करेक्शन बने और अभी अटक रहा है, ये इस रेंज में अटक रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर सस्टेन करने की, देखते हैं कि रुक भी पाता है कि नहीं। और एक साल में देखोगे तो पैसा डबल करा है, ऑलमोस्ट डबल करा है। 88 रुपये से एक बड़ी रफ्तार आई थी, 200 रुपये से भी ऊपर गया था, 206-207 पे गया था, वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली, 175 पे है, वापस तेज़ी देखने को मिली, वापस अब थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है ये। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, मुझे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे अच्छी लगती है कंपनी। लेकिन हाँ, जो पैसा बनेगा वो यहाँ पर बोनस के थ्रू बनने वाला है, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद भी आपको 200 रुपये के आसपास ये देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों में 2 बार आपको ये बोनस दे चुका होगा और उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट होकर 200 रुपये का ही रह गया होगा। तो ये चांसेस ज़रूर रहने वाले हैं यहाँ पर। और अभी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, वो है भैया फंड रेस को लेकर। $1 बिलियन तक का पैसा कंपनी रेस कर सकती है QIP के जरिए, और ये रिपोर्ट्स आ रही है CNBC TV18 की, ये रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो तो जो ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर संवर्धना मदरसन जो है वो प्लान कर रहा है टू सेल शेयर टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड रेज अप टू $1 बिलियन थ्रू द सेम। तो यहाँ पर शेयर बेच कर, हालांकि QIP के जरिए शेयर बेचेंगे, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को बेचेंगे, पब्लिक को नहीं। तो यहाँ पर $1 बिलियन तक का पैसा रेज करने का प्लान है और सोर्स ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये QIP लॉन्च हो सकता है। संवर्धना मदरसन इज लाइकली टू यूटिलाइज दिस QIP ईदर फॉर द एक्विजिशन और टू रिड्यूस इज एग्जिस्टिंग डेट। जो पैसा यहाँ पर आएगा या तो कोई बड़ा एक्विजिशन करने वाले हैं या तो जो इनका ऑलरेडी कर्जा है उसको चुकाने में कंपनी इस्तेमाल करेगी। और देखो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए इन्होंने भैया बैंकर्स को भी अपॉइंट कर लिया है और बहुत जल्दी इस QIP के ऊपर काम शुरू भी हो जाएगा। और कंपनी जो है इस लुकिंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग इट डेट, जो डेट है उसको रिड्यूस करने के बारे में भी सोच रही है। जो इनका करंटली अभी EBITDA अगर आप देखो तो 1.5x से 1x करने की, मतलब यह मतलब जो डेट इस जो है वो 2-1x EBITDA यहाँ पर है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट वगैरह देखोगे तो फ्रॉम 1.5x करेंटली, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। कंपनी देखो पिछले कुछ क्वार्टर में देखो पैसा तो खूब छा पाई उन्होंने, और रिसेंट जो एक्विजिशन इन्होंने करे हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे इनके लिए। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो वी हैव नो डील रोड शो, ये संवर्धना मदरसन ने कहा है, जो CNBC TV18 का की क्वेरी का रिस्पॉन्स उन्होंने कहा, मतलब जो रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने उसके रिगार्डिंग। और देखो पैसा तो रेज करेगी कि मतलब ये कंपनी, क्योंकि देखो पैसा ज़रूरी भी है, और कंपनी जो भी करेगी चाहे अपने डेट को रिड्यूस करे या फिर एक्विजिशन करे, इनकी फेवर में चीज़ें जा सकती है। हालांकि वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 208 रुपये का, जो कि हाल फिलहाल में ही बना था। मार्केट कैप इसका 1,31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मैं इतना कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है, फ्रेश बाइंग को लेकर मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, स्पेसिफिकली ये जो QIP वाली अपडेट आई है उसके बाद। रीज़न ये है कि जब भी QIP आता है या फिर FPO आता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है, ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और डिस्काउंटेड प्राइस पर आते हैं तो एग्जिस्टिंग प्राइस से शायद 10% या 5% लोअर प्राइस पर आ सकता है। तो डेफिनेटली जब ऐसा होता है तो बाज़ार जो है वो शेयर प्राइस जो है, जो एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता ज़रूर है। और कंपनी देखा जाए तो यहाँ पर जो कमेंट्री है ब्रोकरेज की, मोतीलाल ओसवाल का बाय कॉल है यहाँ पर, 218 रुपये का टारगेट है, जो कि अच्छा है, अचीव होने वाला टारगेट। लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये 1 साल के टारगेट्स होते हैं। और कंपनी अगर आप यहाँ पर नज़र करेंगे तो देखिए लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन थे वो खरीदारी बिकवाली दोनों के ही थे, यहाँ पर एक ने खरीदा एक ने बेचा वैसा ही था। जैसे कि मिस्टर अरविंद सोनी जो कि प्रमोटर है, उन्होंने 8,25,000 शेयर बेचे थे, तो सामने मदरसन सुमी की तरफ से खरीदारी भी आई थी, ठीक है, मदरसन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पर खरीदा भी था। वो तो हैंड एक्सचेंज हुए हैं सिर्फ, वो भी 21 जून की बात है 2024 की ही। और डिविडेंड भी देखे तो पे कर रहा है, 80 पैसों का इन्होंने इस बार डिविडेंड पे करा है। लेकिन देखो कंपनी बोनस कई बार पे कर चुकी है,
जब भी हम बोनस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां आती है, लेकिन ये वो कंपनी है जो उससे भी कई बढ़िया बोनस पे कर चुका है। उससे बढ़िया मतलब विप्रो से बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ इन्फोसिस से बढ़िया बोनस तो पे कर ही चुकी है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2022 में कंपनी ने बोनस पे करा, उससे पहले 2018, फिर 17, फिर 15, फिर 13, उससे आगे और कई बार। और स्प्लिट भी अगर आप देखो तो दो बार ही स्प्लिट भी हो चुका है, 2002 और 2004। और यही वजह है कि प्राइस 200 का है इसका, क्योंकि जब भी ऐसा होता है प्राइस एडजस्ट हो जाता है। और जहां तक बात करें इनके वैल्यूएशन की, तो 42 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 43 का है। ना ही सस्ता कहूंगा ना ही महंगा कहूंगा, और यही वजह है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड होना चाहिए। जो इनिशियल सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है वो मुझे 175 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन खरीदारी के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। रीज़न सिंपल सा है कि अगर QIB बहुत जल्दी आने वाला है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और मार्केट उस पर जाने की कोशिश करेगा। और एक्चुअली मैं मान भी रहा हूँ कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। जहाँ तक फिनांशियल्स देखें इनके, तो देखो अच्छे रहे हैं, शानदार इनकी तेज़ी रही है, चाहे उनके रेवेन्यू हो या फिर चाहे वो प्रॉफिट्स हो। जो प्रॉफिट इनके बीच में 200, 250 करोड़, 140 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, मतलब 2022 में, आज वो 1,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। मार्च का क्वार्टर में देखोगे तो 1,370 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू भी 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा, जो कि इससे पहले 17-18 हज़ार करोड़ हुआ करता था। इवन अभी लास्ट क्वार्टर में 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट तकरीबन 1,000 करोड़ का। तो रेवेन्यू प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं। रीज़न है कि इन्होंने जो रीसेंट में जो एक्विजिशन करे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे इनके लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करा है। कंपनी ने कोविड के टाइम पर ही अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि भैया उनका 25% का जो एम था उनका, कि अब उनके रेवेन्यू का 25% इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और कंपनी का जो रेवेन्यू आप देख रहे हो इतना तेज़ी से ग्रो होने वाला, वो वजह भी ये है कि इनका जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है वो तो ग्रो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये इनके लिए फ़ायदे का सौदा हुआ है यहाँ पर। तो चीज़ें मैं अच्छी उम्मीद करता ज़रूर हूँ इनसे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 60.36% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की तकरीबन 1.19% का स्टेक गिरवी भी है। 14.54% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.62% डोमेस्टिक के पास है। FIIs भी 12.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 8.62% की होल्डिंग है, जिनमें से 5.60% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 3.02% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, कि इवन अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी भी करी है। चाहे वो प्रमोटर ने अगर बेचा हो 64.77 से बेचकर प्रमोटर 60.36 पर आए हो, तो सामने ऐसा नहीं है कि भैया रिटेल ने खरीद लिया हो। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी करी, FIIs ने भी यहाँ पर जम के यहाँ पर खरीदारी करी, इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी खरीदारी करी यहाँ पर। एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर ने तो एक्चुअली बिकवा मतलब यहाँ पर बिकवाली करी थी, जो रिटेल और अदर से उसने 8.83 से वो 8.62 पर आए हैं यहाँ पर। तो देखिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन एक डर यहाँ पर ज़रूर रहने वाला है, और वो है कि जो एग्जिस्टिंग वन ऑफ द प्रमोटर है सुमितर, जो 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 सुमितो ग्रुप है, उन्होंने बीच में बड़ी बिकवाली करी हुई थी, और आगे भी तेजी आने पर वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जिट चाहते हैं, ठीक है, वो बिकवाली कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक डर यहाँ पर ज़रूर रहने वाला है, लेकिन अगर QIP के ज़रिए हो सकता है कि पैसा रेस करते हैं ये कोई इंस्टीट्यूशंस को बे अगर बेचते हैं तो अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से, और शायद उन्हीं को एग्जिट देने के लिए ये चीज़ करी जा रही हो, या फिर थोड़ा बहुत पैसा कंपनी के पास भी आएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस से अगर एटलीस्ट 10-12% का डिक्लाइन आता है तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये सस्ता हो जाएगा। और अगेन लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी मुझे अच्छी लगती ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए। और फिर वहाँ पर खरीदारी के या फिर बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं, 175 रुपये के नीचे अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन जाएंगे, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल मगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।